एंड पिछली क्लास को मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था रिटर्न के ऊपर, और जो रिटर्न है उसको दो बेसिस पे बांटा था हमने, ठीक है? दो बेसिस पे हमने रिटर्न को बांटा था। एक था हमारा एवरेज बेसिस पे, और एक था हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी फ्यूचर बेसिस पे। तो हम पहले एवरेज बेसिस की बात करते हैं। तो अभी एवरेज बेसिस चल रहा था। एवरेज बेसिस का मतलब क्या होता है? अब हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमने किया भी था, तो एवरेज बेसिस पे पहले यही समझा देते हैं कि जैसे जितने साल का रिटर्न है R1, R2, R3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, और R1 जो कहला रहा था, क्या कह रहा था? P1 प्लस माइनस में आपका P0 जो भी रिटर्न होगा उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हमने रिटर्न वगैरह निकालना सीख लिया था। जैसे इस क्वेश्चंस के अंदर हर साल का हमने एक रिटर्न निकाला, और रिटर्न को निकालने के बाद हमने एक एवरेज निकाल दिया, एवरेज पर एनम हुआ करता था। एवरेज रिटर्न और होल्डिंग पीरियड रिटर्न दोनों में फर्क है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चंस भी एक और हमने किया था जहाँ पे R1, R2, R3, R5 रखा था, और क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड भी था तो डिविडेंड बस इसके अंदर एड ऑन हो गया था और इसको हमने आगे कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए इसी क्वेश्चंस को हम आगे चलते हैं। हम इससे पहले एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। हम रिटर्न की कर रहे थे बात, एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न बेसिकली हमने दो तरीके से देखा था, जिसमें से एक तो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन, जिसको हम मीन बोलते हैं, और एक होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं GM, ज्योमेट्रिक मीन। तो सर अगर हम अर्थमेटिक मीन से सवाल सॉल्व करें ना, इससे अगर ये निकालते हैं, तो दैट इज 100% एक्यूरेट नहीं होता ये। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन से अगर हम सॉल्व करें ना कुछ, तो वो 100% हमारा एक्यूरेट होता है। इसको जब तक मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके आपको समझा ना दूं, आपको समझ नहीं आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, और फिर हमें समझ में आ जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है एन इन्वेस्टर बाय शेयर 20 रुपए का, यानी हमारे पास P0 है, दैट इज हमने 20 रुपए का खरीदा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। और जैसे ही हमारा ये तो 0 ईयर हो गया, जैसे ही फर्स्ट ईयर 1 साल होल्ड किया, तो हमारा ये शेयर का प्राइस दैट इज P1 देखा जाए, 1 साल बाद तो P1 होगा अगर हम बेचते, तो ये 25 का हो गया। इन्वेस्टर होल्ड, और इन्वेस्टर ने होल्ड किया एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और फिर से जब हम सेकेंड ईयर में गए तो यहां पे फिर से अगेन P1 ही होगा सेकेंड ईयर के लिए, तो अगेन 20 हो गया भाई। द रिटर्न गिव्स 25% फर्स्ट ईयर, तो आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर में तो आपका फायदा हो रहा था सर 25%, 25% फर्स्ट ईयर में तो फायदा हुआ, लेकिन 20% लॉस इन सेकेंड ईयर। तो सर ये जब दूसरे साल में गए तो यहाँ पे आपको 20% का लॉस हुआ। सर समझा नहीं, फायदा जब 5 रुपए बढ़ा तो फायदा 25 और लॉस। देखो फायदा कैसे निकालोगे, आपका पहले साल में फायदा 5 रुपए और बेस लोगे 20 रुपए इंटू में 100, तो फायदा 25 आया था। इस तरीके से क्वेश्चन ने बोला है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर आपका फायदा 5 रुपए, बेस लोगे आप 25, इंटू में 100 करोगे तो आपका आएगा 20%। यही कहना चाह रहा है अभी तक ये। कहता है कि फाइंड आउट द एवरेज अर्थमेटिक मीन के हिसाब से। तो अर्थमेटिक मीन क्या कहता है? जितना आपका फायदा हुआ है, जितना रिटर्न हुआ है, उन सभी को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको अर्थमेटिक मीन का मिल जाएगा, जितना फायदा है या लॉस है, ठीक है? तो अर्थमेटिक मीन के हिसाब से देखा जाए तो
हमारा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारा जो बेनिफिट हुआ है दैट इज 5 रुपए का, और सेकंड ईयर में हमारा जो लॉस है दैट इज 5 रुपए का, ठीक है ना? एक मिनट, ठीक है। हाँ ये रुपीस के टर्म्स में है। अर्थमेटिक मीन यहां निकाल लेते हैं सर। अर्थमेटिक मीन के हिसाब से कौन बच्चा बताएगा? आर वन प्लस रिटर्न टू, दो ही साल है, डिवाइडेड बाय टू। रिटर्न वन कितने परसेंट है सर? 25% का फायदा, और माइनस में लॉस 20%, डिवाइडेड बाय टू। तो हमारा रिटर्न यहां पे आ रहा है 2.5%। 2.5% पहले यहां तक देखिए, यहां तक हर बच्चों को क्लियर है कि इस अर्थमेटिक मीन के हिसाब से हमारा रिटर्न कितना आया? 2.5% आया। रिटर्न कितना आया सर हमारा? 2.5% आया। बताइए, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। 2.5 दिया ने भी जवाब दे दिया। यहां तक आपको सभी पॉइंट क्लियर हैं? ये सिंपल लास्ट का ही क्वेश्चन है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। दिया ने जवाब दे दिया, चंचल ने कहा क्लियर है, हर्षिता ने कहा, अब पहले कहा था ये क्लियर है, अब तो खैर टाइम ज्यादा हो गया। जितने बच्चे लाइव है फटाफट बताइए, जितने बच्चे लाइव है, आसिफ, हर्षिता, ध्रुवी, स्नेहा, चंचल, मुस्कान, अदिति, दिया, सोनल, परविंदर, अंशु, आयुष, तनिष्का, निखिल, सुमित, आशीष, संचित, तुषार, जितने बच्चे हैं सबका तो नाम लेते लेते बहुत टाइम लग जाएगा सर। अगर 5 कमाया, 5 नुकसान किया तो 0 हुआ ना। देखो सौरभ ने एक बात पकड़ ली यहाँ पे, सौरभ ने कहा सर लॉजिकली देखा जाए तो 5 रुपए कमाया और 5 का नुकसान हो गया, तो हमारा रिटर्न जो है वो तो 0 हुआ। लेकिन अर्थमेटिक मीन तो क्या कहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सर ये तो हमारा 2.5% है। यानी अगर मैं चलो HPR एक पल को निकाल लूं यहाँ पे, HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो HPR क्या कहता है भैया कि भैया जितना भी आपने रिटर्न कमाया यानी 5 रुपए कमाया माइनस में 5 रुपए डिवाइडेड बाय आपका 0 बेस ईयर, मान लो बेस ईयर आपका 20 है तो 0 आएगा, तो आपका 0% ही तो रिटर्न हुआ। क्या आप सभी स्टूडेंट इस बात से क्लियर है कि सर 5 कमाए थे फिर 5 नुकसान हो गए, जो हमारे रिटर्न होने चाहिए वो तो एक्चुअल में 0% होने चाहिए, लेकिन अर्थमेटिक मीन आपको निकाल के दे रहा है कि रिटर्न जो है वो 0% नहीं है, रिटर्न 2.5% है। तो मैंने क्या बताया कि अर्थमेटिक मीन आपको 100% आंसर करेक्ट नहीं कहता। बताइए अब एक बार बता दीजिए, मैं पहले के और अभी के आंसर में कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या हमारा रिटर्न एक्चुअल आपने 2 सालों में 2.5% की कमाई करी है या फिर 0% की कमाई करी है, इसका जवाब दे दीजिए आप। जीरो परसेंट और 2.5% प्रैक्टिकली मैं पूछ रहा हूं, अर्थमेटिक मीन तो कह ही रहा है कि 2.5% कमा रहे हो। सोनल ने कहा सर वाक्य 0% होना चाहिए, तेज सभी 0% 0% 0% कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम इस बात से तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि अर्थमेटिक मीन कई बार झूठ बोलता है हमें एवरेज में, रिटर्न के टर्म्स में। इसी को ज्योमेट्रिक मीन में अगर हम करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन सर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे कैसे? ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे कैसे?
हाँ प्लस है ना, बच्चे कह रहे हैं सर प्लस लिया और आपने नीचे माइनस कर दिया, ये लो प्लस, और ये तो माइनस का हो गया ना, रिटर्न माइनस का हो गया, क्योंकि अगली बार का जो रिटर्न है आप 25 से 20 पे जाओगे तो ये माइनस का रिटर्न हो गया है ना, ये माइनस का रिटर्न हो गया लॉस, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो अल्टीमेटली वही है। ठीक है, सभी बच्चे का लगभग लगभग कॉमन सा आंसर आया। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि हम क्या करेंगे, वन के अंदर प्लस आर ऐड कर देंगे, इसके बाद इनटू फिर से वन प्लस आर टू ऐड कर देंगे, फिर इनटू वन प्लस आर थ्री ऐड कर देंगे, ऐसे चलते 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 लास्ट में हम कर देंगे सर, जब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, माइनस वन कर देंगे, तो जो ये रिटर्न आपको बताएगा ये ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल बताएगा। सर ये आर वन क्या है? वही हर किसी में हम वन प्लस 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 करते जाते हैं और लास्ट में वन माइनस कर देते हैं एज एन कॉमन, और यहाँ पे इसकी पावर, ये भूल ही गया, इसकी पावर वन बाय एन करेंगे, वन बाय एन करेंगे। अब वन बाय एन का भी आज एक देखेंगे ट्रिक कैसे निकालते हैं, तो पहले ये देखिए, मैं पिछले वाले क्वेश्चन को इससे करके दिखा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन जब हम फैमिलियर हो जाएंगे तो जीएम का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। तो सर इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करके दिखा दो, बिल्कुल कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन से करके दिखा दो, एकदम कर देंगे। सर करते हैं, तो हमारा P0 20, फिर से नेक्स्ट ईयर में P1 25, ये तो एक साल हो गया, फिर से हमारा P0 जो माना गया वो तो 25 हुआ, लेकिन P1 जो हो गया अगली बार दैट इज 20 हो गया, ये सेकेंड ईयर का कॉम्बो बना दिया ऐसे हमने, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने साल डेटा रहा सर? 2 साल रहा, कितने साल? 2 ईयर रहे, 2 ईयर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले आर वन निकाल लेते हैं, सर निकालो आर वन, आर वन होगा आपका पी जीरो, सॉरी पी वन माइनस में पी जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू में 100, तो यहां पे आएगा सर क्या आएगा सर, 5 रुपए डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100, तो 5 20 100, तो कितने बनेंगे सर? सर 25%, ये प्लस में है, ठीक है ध्यान रखिएगा। R2 P1 माइनस में P0, दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, दूसरे साल का फर्स्ट ईयर का डेटा ये है, सेकेंड ईयर का डेटा ये है, ये मैंने बना लिया है पहले से ही, डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100, तो देखा जाए तो क्या आएगा सर, माइनस का 5 रुपए डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 20%। सर फॉर्मूला क्या कहता है ज्योमेट्रिक मीन का? सर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कहता है वन प्लस आर वन प्लस वन, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, प्लस नहीं है, इनटू वन प्लस में आर टू, और इन सभी के होल स्क्वायर वन बाय एन, ठीक है, एन टर्म्स जो होता है इसको अप्लाई कर लेते हैं। चलो ये एक्यूरेट बताएगा आपको, तो वन प्लस में आर वन है 0, उसको पॉइंट में परसेंटेज को ले लेंगे तो 0.2525 इंटू वन माइनस में 0.20, इन सभी को सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल ब्रैकेट लगा ले तो 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वन, और लास्ट में माइनस वन भी है, 1 प्लस में 0.25 को कैसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा साहब, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और इस सभी का 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 1.25 इंटू में 0.8, ये आ गया 1,
एक का पावर वन बाय टू माइनस वन, एक का पावर अगर वन बाय टू होगा तो इसका मतलब होता है अंडर रूट। तो वन का अंडर रूट कैलकुलेटर में निकालोगे, वन आएगा वन माइनस वन, तो रिजल्ट आया आपका 0%। तो आप मुझे बताइए क्या हमारा ज्योमेट्रिक मीन एक्यूरेट है या फिर नहीं है? अभी पता चल जाएगा क्यों ऐड होता है सौरभ, क्योंकि कई बार ना लॉसेस भी होते हैं। अगर हर बार प्रॉफिट हो तो मैं तो लू ही नहीं, सिर्फ पॉइंट। जैसे कि आप यहां वाले क्वेश्चन में देखो 0.5 था, लेकिन यहां लॉस की वजह से वो हमें करना पड़ रहा है। यहां तक क्लियर है? यानी ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। तो यही था हमारा 3.7 में जो करके दिखाया हुआ है नॉर्मली आपका, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस किया जाए। एक्यूरेट है सर, ये वन कैसे आया? माइनस वन फॉर्मूले का पार्ट है, माइनस वन फॉर्मूले का पार्ट है। देखो ऐसा फॉर्मूला होता है, ये टोटल आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखा रखा है। मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड था तो वैसे करा, और फॉर्मूला एक्चुअल में हमारा ये है पूरा ब्रैकेट, ठीक है। एक और सवाल करते हैं फिर समझ में आएगा। आइए चलिए देखिए कितना आसान सवाल कहता है, कैलकुलेट द एवरेज यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ईयर वन का रिटर्न है यानी आर वन, आर वन दे रखा है कितने परसेंट? 18%। आर टू तो लिखने की जरूरत क्या, आपको तो दिख ही रहा है। फॉर्मूला पुट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू वन प्लस में आर वन, तो 0.18, 0.18। आगे देखेंगे ना फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आगे देखेंगे अभी इसके बाद, वन प्लस 10% है तो 0.1017, ठीक है। इसके बाद वन माइनस 0.0769, इसके बाद वन प्लस 0.1667। इन सभी को n, तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि n देखा जाए तो 4 है, फिर माइनस 1 है। इसको सॉल्व करते हैं अब, 1.18 इंटू 1.010, ये 0 पॉइंट है तो 1.1 हो जाएगा ना, 1.1017। अब इसे माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, वन माइनस में 0.0669992। इसको करते हैं 0.9231। इसको सॉल्व कर देते हैं 1.1667। कैलकुलेशन पूरी रखनी है आपको, ठीक है। पावर 1/4, पावर 1/4 माइनस 1, सॉल्व करते हैं 1.18 इंटू 1.1017 इंटू 0.9231 इंटू 1.1667, ये आ गया हमारा 1.4008, 0008 है। अब यहां पे अगर 4 है तो 4 का मतलब होता है एक बार रूट के लिए 2 होता है, अगर 2 बार रूट है तो इसके लिए आपका 4 होगा, अगर 3 बार रूट है तो इसके लिए 8 होगा, 1/8, ठीक है ना।
तो दो बार रूट है तो दो बार रूट कर लेते हैं, यानी इसका 1/4 करेंगे तो दो बार रूट करना है, एक बार दो बार, तो इसका आंसर रिजल्ट आया 1.0877 -1, तो आंसर रिजल्ट इज 8.77%, 8.77%। बच्चे ने बता दिया सर, 8 पॉइंट, दिया ने बता दिया 8 पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब है। मैं तो थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और सर पावर ओड है तो सब देखेंगे, सौरभ वो भी देखेंगे अभी, वो भी मुझे पता था ये डाउट आएगा किसी ना किसी बच्चे का, तो उसको भी एक कैलकुलेटर पे एक सॉल्व करने का प्रोसेस है वो करके दिखा देंगे।